गया के फतेहपुर प्रखंड में 300 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार की योजना के तहत ढाढ़र परियोजना का निर्माण 1982 में 9वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कराया गया था। इस परियोजना में पानी के रहने से करीब 150 गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकता था, लेकिन फतेहपुर गांव के किसानों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा 25 सालों के बाद भी नहीं मिला है। विराज है, ये सिर्फ दिखाने के लिए विराज है, ये किसान को इससे लाभ हो नहीं रहा है। ये पहले तिलैया धारण परियोजना था, आई जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया तो सिर्फ ये धारण परियोजना रह गया, और ये जैसे सरकार पर इस पर ध्यान देता तो हमारा झारखंड से भी पानी मिल जाता इसको, तिलैया डैम से पानी इसको मिलता तो हम लोग का पटवन में सुविधा होता है, यहाँ हजारों एकड़ जमीन का पटवन होता है। इसी प्रकार जैसे औरंगाबाद में सुशील बाबू कोल नहर परियोजना को जोड़े झारखंड से और बिहार से, लेकिन हमारे यहाँ न सांसद न विधायक न यहाँ मुख्यमंत्री, सिर्फ मैंने उद्घाटन हुआ दिखाने के लिए, इन किसान को कोई लाभ नहीं मिला। इस बार वर्षा नहीं हुआ तो देख रहे हैं सब जमीन परित है, हम लोग कुछ लाइन बिजली से ले रहे हैं सुविधा तो बिजली जमीन में पानी भी नहीं है। यदि लेयर रहता नहर चालू तो लेयर रहता तो चल के देखिए तो बहुत सा बोरिंग फेल हो गया है, लेयर नहीं है तो हम लोग फिर बिजली से भी कैसे पटवन करें। पीड़ित किसानों ने कहा कि सोचा था कि भूमि अधिग्रहित हुई है तो शेष भूमि पर सिंचाई का साधन उपलब्ध हो सकेगा, लेकिन ना ही अधिग्रहण का मुआवजा मिला और ना ही सिंचाई के लिए पानी। कि हम लोग किसान हैं यहाँ और हम लोग का 1.5 बीघा तो 2 बीघा जमीन चला गया है नहर में, पानी भी नहीं मिल रही है और पैसा भी नहीं मिल रही है। सरकार जहाँ ऑफिस में जाते हैं भगा दिया जाता है, यहाँ नहीं होगा गया होगा, गया नहीं होगा पटना होगा, अभी मुख्यमंत्री से नहीं खबर आया है, अभी ऊपर वाला ऑफिसर नहीं बैठा है, ऐसे कर करके हम लोग 20-20 हज़ार रुपया खर्च करके और हम लोग परेशान होकर बैठे हुए हैं। इस बार बारिश नहीं हुआ थे, बारिश नहीं हुआ तो देखिए ना, हम लोग का यहीं पर मोड़ पर सब देखते थे और इसको जो है सो कहते थे कि सगर रोपा हो गया, इस साल तो मोड़ पर भी नहीं रोपा हुआ है, फिर भी सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं हो रहा है फतेहपुर। हर साल तो होता ही नहीं है क्योंकि मोड़ पर थोड़ा बहुत रोपा हो जाता है और बात के तरफ रोपा नहीं होता है, मोड़े पर देख के लोग कह देता है कि फतेहपुर में तो पूरा रोपा हो गया। ये ढाढ़र डैम बना किसानों के लिए बना था, उससे कोई फायदा किसान को, फतेहपुर का प्रॉपर किसान को किसी तरह का फायदा नहीं है। ढाढ़र ये जब ढाढ़र परियोजना जो है इसको अगर हमारे बरमासी पैन में मिला दिया जाता है तो तब हम लोग को फायदा हो सकता है, ऐसे किसी तरह का कोई फायदा इससे नहीं है। और हम लोग का समझिए बेटी का शादी रहे फलाना रहे जमीन बेच के करेंगे, सरकार पैसा रखे हुए रहेगा पैसा देगा नहीं, हम लोग परेशानी में पड़े हुए हैं। आपका कितना जमीन गया? हमारा जमीन 1 बीघा गया है, हमारा जमीन कम से कम भी बनता है 35-40 लाख रुपया, उसका ब्याज 18 साल हो गया सर, 18 साल का ब्याज हमारा बाकी है, सरकार क्या देगी? कब गया था जमीन? आज हमको लगता है कि 25-30 बरस हो गया है ये डैम को बना हुआ, और 30 बरस से मेरा जमीन हो माने पड़ती है और चला गया उसमें, इधर भी भिंड बांध दिया उधर भी भिंड बांध दिया, नहर है 40 फीट में और भिंड बन गया है माने 150 फीट में, हम लोग का जमीन को एकदम बर्बाद करके छोड़ दिया नहर और पानी भी हम लोग को नहीं मिलता है। बता दें कि साल 2020 में ढाढ़र सिंचाई परियोजना के बराज का उद्घाटन बिहार CM नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। उस वक्त यहां के किसानों को ये उम्मीद जागी कि अब इस परियोजना का लाभ सिंचाई के लिए मिल सकेगा, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही रह गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।